दोस्तों, स्कूलों में विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। हमारे स्कूल में कैसे स्टूडेंट्स की अपार आईडी बनाई है उसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें। अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का मॉड्यूल शुरू किया गया है, मतलब अभी इन क्लासों की ही अपार आईडी बनाई जा रही है। सबसे पहले आपको उसके लिए एक सहमति पत्र लेना होता है घर वालों का कि हाँ हम ये अपार आईडी इसकी बना रहे हैं, इस नाम वगैरह जो इसकी डिटेल है ये वाली सही है। उसमें विद्यालय का नाम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद मैं सहमति प्रदाता मतलब उसके पापा या मम्मी जो भी सहमति दे रहे हैं, नीचे उस विद्यार्थी का नाम, उसके नीचे पहचान पत्र का नाम मतलब उसके मम्मी या पापा की कौन सी आईडी आप इसमें लगा रहे हो। नॉर्मल यहाँ पर आधार कार्ड लिखते हैं और उनके मम्मी या पापा जो भी यहाँ पर साइन करेंगे उनका यहाँ पर नीचे पहचान पत्र संख्या, जैसे आधार कार्ड लिखा है तो आधार कार्ड संख्या यहाँ पर लिखें। उसके बाद इसमें आप पढ़ लें क्या लिख रहा है, ये सहमति पत्र की डिटेल उसके दे रहे हैं मैं दे रहा हूँ वो सही है। भौतिक सहमति की तिथि आप लिख दें जिस दिन दिनांक को आप ये साइन करवा रहे हैं, इधर हस्ताक्षर उसकी मम्मी या पापा जो भी सहमति प्रदाता हैं, और इधर लेफ्ट साइड में सहमति की तिथि और नीचे सहमति का स्थान जो भी स्कूल है या गांव का नाम यहाँ लिख दें। फिर नीचे मैं यहाँ पर संस्था प्रधान का नाम, नीचे विद्यार्थी का नाम और लास्ट में तिथि और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर, ये साइन करके ये पत्र प्रत्येक विद्यार्थी का बनाना है और इसे रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करके रखना है ताकि भविष्य में अगर कोई क्लेम हो नाम वगैरह के ऊपर कि आपने आईडी ऐसे क्यों बनाई, इस डिटेल की क्यों बनाई, तब आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास आपका सहमति पत्र है, आपने सहमति दी थी। इसके बाद जब आप ये प्राप्त कर लें उसके बाद आपको फिर यूडाइस पोर्टल पर जाना है। इसमें आपको लॉगिन को यहाँ पर वगैरह डाल के लॉगिन करना है। इस तरह डिटेल खुलेगी स्कूल की, उसके बाद स्टूडेंट वाले पर क्लिक करें और फिर से वापस एक बार लॉगिन मांगता है, यहाँ पर वापस से लॉगिन करें। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन के बाद ये डिटेल दिखेगी बच्चों की क्लासों की, तो पहले आपको क्लासों में जाके एक डिटेल देखनी है, व्यू या मैनेज पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे बच्चे का नाम दिख जाएगी, डिटेल सब बच्चों की। यहाँ पर आप जब राइट में देखेंगे तो जीपी ईपी और एफपी आ रहा है, तो यहाँ पर ये जीपी वाला रेड आ रहा है, ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना। जब तक ये रेड रहेगा तब तक अपार आईडी वाला मॉड्यूल जो भी आपको बताऊंगा उसमें आपको जनरेट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको पहले जीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर जिस क्लास की भी आप कर रहे हो 9वीं 10वीं, उसमें फिर जीपी पे क्लिक करने के बाद उस बच्चे की डिटेल खुल जाएगी ऐसे नीचे। फिर नीचे नीचे जाके आपको यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस सेव ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर उसकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, सेव हो जाएगी, उसके बाद जीपी वाला ग्रीन हो जाता है ऑप्शन। फिर आप लेफ्ट में नीचे जाएंगे, अपार मॉड्यूल दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से इधर क्लास आ जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अपार आईडी बना रखी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखो कंप्लीट स्टेटस आ रहा है अपार आईडी का, जनरेटेड, और लास्ट में जो है अपार आईडी है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी अपार आईडी नहीं बनी है, जैसे पेंडिंग दिखा रहा है, जिनकी नहीं बनी है उनकी यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा, और यहाँ पर लास्ट में जनरेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जनरेट हो जाती है। जनरेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम वगैरह आएंगे नीचे, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको आधार चेंज करना है तो यहाँ पर ये प्लस वाला साइन, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। और कुछ चेंज करना है तो आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन होता है राइट में, देखो इस वाले साइन पर क्लिक करके आप डिटेल में एडिट कर सकते हैं। नीचे नीचे देखो फिर ये सहमति पत्र ये आई, उसके पापा का नाम या मम्मी का नाम सहमति पत्र में जो लिखा है, एज द अगर वो माता है तो मदर करना है और पिताजी हैं तो यहाँ पे फादर करना है, और विथ माई आइडेंटिटी प्रूफ एज मतलब इसमें फिर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि आपने आधार कार्ड लिया है क्या लिया है, सेलेक्ट करके नीचे आधार कार्ड नंबर, फिर वही जो लिखा हुआ था उसमें वही लिखा है यहाँ पर। लास्ट में यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट मतलब स्कूल का नाम या गांव का नाम इसमें आप लिख दें, जगह का नाम, जगह पूछ रहा है, और यहाँ पर डेट, किस डेट को आपने हस्ताक्षर करवाएं सहमति पत्र पे। नीचे फिर संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा अपने आप, और लास्ट में सबमिट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। कई बार इसमें एरर आ जाता है तो आप 4-5 बार ट्राई करेंगे तो
वो आईडी बन जाती है। मैंने बनाई थी तो कई बार एरर आ जाता है और लास्ट में ये बन जाती है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही साला दर्पण या ऐसे ही संबंधित वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।